हेलो बच्चों, दोस्तों मैं सोच रहा था केमिस्ट्री से कैसा रिश्ता है। मानो तो ये रूह का रिश्ता है, ना मानो तो कौन किसका क्या लगता है। दोस्तों ये रसायन लीला का रिश्ता है। चलिए आज इस सेशन में एक बेहतरीन अंदाज में एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट सेशन की बात करेंगे, जिसमें हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को। दोस्तों अगर आपने क्वांटम नंबर्स को जान लिया है तो आज क्वांटम नंबर्स की उस अधूरी कहानी को पूरा करने का वक्त आ गया है। क्वांटम नंबर्स को यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, रूल्स फॉर फीलिंग सबसेल की बात करनी है, यानी हमें डिस्कस करना है आउबाउ प्रिंसिपल को, एन प्लस एल रूल को, हार्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सभी टॉपिक्स आज हमें इस सेशन में एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करने हैं। तो चलिए देरी किस बात की है, जल्दी से हेडिंग लगाइए, आउबाउ प्रिंसिपल हमें स्टार्ट करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होती है, आउबाउ क्या कोई साइंटिस्ट थे? बिल्कुल नहीं। आउबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। देखिए ये प्रिंसिपल किस पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, यानी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये प्रिंसिपल आधारित है, ये सबसे पहले हमें जान लेना है। देखिए आउबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से फिल करना है, यानी जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल कीजिए, जिसकी ज्यादा है उसको बाद में कीजिए। जी हाँ, किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले फिल करना होगा, ज्यादा होगी उसको बाद में फिल करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मर्जी होगी। वह कम एनर्जी अटेन करना चाहेंगे तो कम एनर्जी कब अटेन होगी, जब किसी ऐसे ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए इसकी पूरी माया को जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा n इज इक्वल टू वन के कोरस्पोंडिंग, n इज इक्वल टू वन के कोरस्पोंडिंग कितने सबसेल पॉसिबल है। क्वांटम नंबर्स की मायावी दुनिया में आपने देखा होगा सबसेल एक ही पॉसिबल है। जी हाँ, एन की जितनी वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 उतनी ही सबसेल्स पॉसिबल होंगी, और पहली सबसेल जब भी होगी एस होगी, यानी 1s की बात होगी। n इज इक्वल टू 2 है, यानी 2 सबसेल्स होंगी, 2s 2p। n इज इक्वल टू 3 है, कितनी सबसेल्स होंगी, 3s 3p 3d, 3 सबसेल होंगी। n इज इक्वल टू 4 है, कितनी सबसेल्स होंगी, n इज इक्वल टू 4 है, 4 होंगी। कौन कौन सी, पहली जब भी होगी s ही होगी, कौन सी एस होगी, एन फोर के कोरस्पॉन्डिंग 4s होगी, देन 4p, इसके बाद 4d, 4 होंगी। अब 4 होंगी, अभी आपने केवल 3 सबसेल्स की बात की है, अगर 4 होंगी सोचिए 4d के बाद क्या होगी। ये मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं, 4f होगी। इसके बाद देखिए एन इज इक्वल टू 5 है, तो देखिए 5s 5p 5d 5f। अभी आपने केवल और केवल 4 सबसेल्स की बात की है, n की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए n की वैल्यू यहां पर 5 है, तो इसके बाद क्या होगी, इसके बाद देखिए 5g होगी। ऐसे ही ये कहानी चलती जाएगी, n इज इक्वल टू 6 है, तो देखिए 6s 6p 6d 6f, और ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। आई होप इतना आपने प्रीवियस सेशन से अंडरस्टैंड किया है। अब एक मायावी तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी के साथ इनकी एनर्जी को याद कर पाएंगे, किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है, ये ऑर्डर आपको मिल पाएगा। देखिए मायावी तरीका क्या है, आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको इन सब सेल्स को अरेंज कर लेना है। अगर आपने अरेंज कर लिया है तो इसके बाद देखिए ऐसे आपको एरो बनाने हैं, एरो बनाया आपने, इसके बाद ऐसे पैरेलल एरो आपको ड्रॉ करने हैं, एक ऐसे ड्रॉ किया आपने, उसके बाद ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ करते गए आप, देखिए
ऐसे आपने काफी सारे एरोज को ड्रॉ किया है। आगे भी ये कहानी ऐसी चलती जाएगी, जो ऑर्डर जो सीक्वेंस यहां तक फॉलो होगा वह ऑर्डर और सीक्वेंस नीचे भी फॉलो हो रहा होगा। बिल्कुल मायावी तरीका है, देखिए इसकी माया क्या है और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ऐसे काफी सारे पैरेलल एरोस ड्रॉ करने के बाद इस अंदाज में आप क्या करेंगे, हर एरो के हेड को नेक्स्ट एरो की टेल से कनेक्ट कर दें। जी हां, हर एरो के हेड को नेक्स्ट एरो की टेल से ऐसे कनेक्ट कीजिए। आई होप आपने कनेक्ट किया होगा। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, काफी सुंदर डायग्राम बन गया है। देखिए इसकी सुंदरता की तरफ मत जाइए, हमें जो काम करना है मेन मुद्दे पर बात करनी है। हमें बात करनी है किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो दोस्तों देखिए, या जिस प्रकार से एरो घूम रहा है इसको देखते जाइए, जिस प्रकार से एरो घूम रहा है, डांस कर रहा है, वैसे ही आपको आगे चलना है। ऐसे आपको आगे चलना है, यानी इस प्रकार से आपको बेहतरीन अंदाज में एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा, यानी आप काबिल हो पाएंगे सब सेल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने में। चलिए यहीं पर ही बात करता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ध्यान से देखिए, सब सेल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए यहीं पर ही इसके सामने ही डिस्कस करना होगा, ताकि आप ये भी जान पाए, ये भी पहचान पाए ये कैसी टेक्निक है, इससे हम कैसे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर पाएंगे। देखिए इस प्रकार से हमें इस ट्रैक को फॉलो करना है और इसको फॉलो करते करते आगे बढ़ना है। चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं 1S से। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1S की होगी। 1S के बाद देखते जाइए और लिखते जाइए, 1S के बाद कौन होगा, 2S होगा। देखिए इसके बाद कौन मिलता है, 2S मिलता है। 2S के बाद 2P मिलता है। 2P के बाद देखिए 3S मिलता है। 3S के बाद बच्चों कौन मिलता है, 3P मिलता है। 3P के बाद देखिए 3D मिलना चाहिए था, लेकिन गोलमाल है, 3D मिलता नहीं है। क्या मिलता है, 4S मिलता है। ऐसा क्यों होता है, 3D बाद में क्यों मिलता है, 4S के बाद में क्यों मिलता है 3D? जरूर 3D की एनर्जी 4S की एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी तो 3D को बाद में फिल करते हैं। जी हाँ, ये चीजें तो मुझे इस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताने हैं। और देखिए और कहां पर गोलमाल है, देखिए 4S के बाद 4P मिलना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, 3D के बाद मिलता है 4P। 4P के बाद देखिए क्या मिलेगा, 4P के बाद आपको मिलेगा 5S। 4P के बाद 5S, 5S के बाद 4D, बिल्कुल 4D के बाद 5P, 5P के बाद 6S। ये तो बिल्कुल सिंपल है। जी हां बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए इस बेहतरीन अंदाज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इस प्रकार से आप सब सेल्स को नोट कर लेंगे, उसके बाद एरोस ड्रॉ करेंगे, एरो के हेड को नेक्स्ट एरो की टेल से ज्वाइन करना है और इस ट्रैक को फॉलो करना है। पूरी कहानी, पूरी मायावी कहानी आपके सामने होगी। चलिए इसके बाद हम ये जानेंगे लॉजिकली ऐसा हुआ क्यों है, ऐसी माया क्यों हो पाई है, इस जादुई कहानी के पीछे क्या लॉजिक है। आइए इसकी बात करें। देखिए सब सेल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है तो एक जादुई रूल की जरूरत होगी, दैट रूल इज N+L रूल। आइए बात करें N+L रूल की माया क्या है और इससे हम आखिरकार कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, कौन सी सबसेल को पहले फिल करना है और कौन सी सबसेल को बाद में फिल करना है। आइए इस पूरी माया को हमें जानना है, किस प्रकार से जानना है इसकी बात करें। द सबसेल विद लोएस्ट N+L इज फिल्ड फर्स्ट। जी हां, जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी उसको हमें पहले फिल करना होगा, ज्यादा होगी उसको बाद में फिल करना होगा। ये रूल N+L रूल है। कई सिचुएशन टाई हो जाए, जैसे T20 मैच टाई हो जाता, सुपर ओवर होता है, वैसे ही अगर सिचुएशन हो जाए टाई तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में रूल देखिए क्या है, व्हेन टू और मोर सबसेल्स हैव सेम N+L वैल्यू देन दैट सबसेल इज फिल्ड फर्स्ट विच हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ N। जी हां, अगर सिचुएशन टाई हो जाए
तो आप n की वैल्यू से डिसाइड करेंगे। जिसके लिए n की वैल्यू कम है उस सबसेल को पहले फिल करना है, और जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है उसको बाद में फिल करना है। बिल्कुल सिंपल रूल है। इस एनर्जी के सीक्वेंस को आसानी के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे, सबसेल्स की एनर्जी का सीक्वेंस यही क्यों होगा। आइए देखिए, इसकी पूरी माया को जानने के लिए आपको यहां पर यह जानना होगा n क्या है, l क्या है। आई होप n एंड l से आप फैमिलियर हो चुके हैं। प्रीवियस सेशन में क्वांटम नंबर्स की पूरी माया आप देख चुके हैं। n क्या है? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर। इससे देखिए क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर और क्या मिल पाएगा, और आपको शेल नंबर मिल पाएगा। जी हां, किस शेल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, इस बात पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है कि सेल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है कि सबसेल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। इसीलिए n प्लस l से ही ये डिसाइड हो पाएगा किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसके लिए ज्यादा वैल्यू होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए l क्या है? l इज एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक और नाम था इसका जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है, देखिए याद है आपको, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। जी हां, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसका एक नाम होगा। इसका एक और नाम मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। देखिए इसको जानने के बाद हमारा डिस्कशन इस मुद्दे पर होगा, कैसे होगी कैलकुलेशन n प्लस l की। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए n कहां से आएगा। n ऑर्बिट नंबर है, ये तो आप आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे, ऑर्बिट नंबर। और आप जानते हैं ये क्या है, सेल नंबर है, इसको आसानी के साथ आप फाइंड आउट कर पाएंगे। और l क्या है? l इज एंगुलर क्वांटम नंबर। वैल्यूज क्या होंगी एंगुलर क्वांटम नंबर की, वैल्यूज क्या होंगी? देखिए l0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, l1 हो सकता है, जी हां, l2 हो सकता है, हो सकता है, l3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे l की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। देखिए s सबसेल के लिए l की वैल्यू 0 होगी, कोई भी s हो l की वैल्यू 0 होगी। देखिए कोई भी p हो l की वैल्यू 1 होगी, कोई भी d हो l की वैल्यू 2 होगी, कोई भी f हो l की वैल्यू क्या होगी आपके सामने, 3 होगी। और ऑर्बिट नंबर, सेल नंबर आप जानते हैं, n 1 हो सकता है, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, n 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n 2 सेकंड ऑर्बिट। देखिए ऐसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। चलिए इसकी कैलकुलेशन पार्ट का वक्त हो चुका है, हमें कैलकुलेट करना है n प्लस l डिफरेंट डिफरेंट सबसेल्स के लिए। इसके बाद ही तो सबसेल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक बेहतरीन अंदाज में हम अरेंज कर पाएंगे, और इसकी वैलिडिटी भी हमें चेक करनी है। जो टेक्निक मैंने आपको आहुबाव प्रिंसिपल में बताई है उसकी वैलिडिटी भी हमें n प्लस l से चेक करनी है। यानी हमें यह चेक करना है जो रिजल्ट वहां से मिलता है क्या वह रिजल्ट या n प्लस l से भी मैच हो पाएगा। देखिए मैंने पहले बात की है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, इसके बाद 6s, 6p, 6d। देखिए इसके बाद क्या होगा, 6f होगा, और ये कहानी आगे ऐसी ही चलती जाएगी। आप जानते हैं इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको आहुबाव प्रिंसिपल में बताया है। क्या बताया है? इस प्रकार से एरो बनाइए, जी हाँ, बिंदास एरो बनाइए, बना लिए होंगे आपने।
इस प्रकार से एरो बना लिए होंगे, बिल्कुल बना लिए होंगे। देखिए क्या करना है इसके बाद, इसके बाद करना यह है एरो के हेड को, एरो के हेड को नेक्स्ट एरो की टेल से कनेक्ट करना है। देखिए ऐसे ऐसे बिंदास कनेक्ट करना है, पूरी मस्ती से कनेक्ट करना है। आई होप आपने कनेक्ट किया होगा। इसके बाद आपको एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा। देखिए सब सेल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से हम अरेंज कर पाएंगे, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, और देखिए 2p के बाद 3s, 3s के बाद देखिए 3p, जी हाँ 3p के बाद 3d नहीं आएगा, देखिए क्या आएगा, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, जी हाँ 4s के बाद क्या आएगा, यहां लिखेंगे 3d, और 3d के बाद 4p, 4p 4s के बाद नहीं आएगा बल्कि 3d के बाद आएगा। ऐसा क्यों होगा, बात की जाएगी इससे रिलेटेड, बिल्कुल की जाएगी, देखिए इससे रिलेटेड भी बात होगी। यहां हमें मिलता है 3d, इसके बाद क्या मिलता है 4p मिलता है, उसके बाद 5s, इसके बाद देखिए क्या मिलता है 4d मिलता है, तो 4p के बाद 4d नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, उसके बाद देखिए 5p, जी हाँ उसके बाद 5p, 5p के बाद 6s। ये देखिए हमें आउबाउ प्रिंसिपल की उस मायावी टेक्निक से मिलता है, ये ऑर्डर हमें आउबाउ प्रिंसिपल की उस मायावी टेक्निक से मिलता है। अब देखिए एन प्लस एल की इस जादुई कहानी से क्या मिलता है, देखिए एन क्या होगा, एन ये सामने लिखा हुआ है, इस सब सेल के सामने लिखा हुआ है एन, वन होगा, ये वन होगा, एल क्या होगा, अब हम एन प्लस एल की बात करेंगे, एन प्लस एल रूल से क्या ये सीक्वेंस फिट हो जाएगा या फिर ये दोनों की दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी। देखिए इसकी पूरी बात करनी है अपने को, एन क्या होगा, वन होगा, एल क्या होगा, हर एस के लिए, किसी भी एस के लिए एल की वैल्यू जीरो होगी, बिल्कुल जीरो होगी। यहां देखिए एन क्या होगा, एन टू होगा, एल क्या होगा, किसी भी एस के लिए वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, उसके बाद कमेंट करेंगे, देखिए कमेंट उसके बाद करना है, मिंदास कैलकुलेट करते जाएं। यहां देखिए एन क्या होगा, एन टू होगा, किसी भी पी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, देखिए एल होगा वन। आगे देखिए एन क्या होगा, थ्री होगा, एल क्या होगा, किसी भी एस के लिए, किसी भी एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। आगे देखिए एन क्या होगा, थ्री होगा, एल क्या होगा, किसी भी पी के लिए एल वन होगा। मैं तो याद कर चुका हूं, क्या आपने भी याद कर लिया है, चलिए याद कर लिया है तो आगे चलते हैं। एन की वैल्यू फोर है, एल क्या होगा, एस के लिए एल क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए एन प्लस एल इनके आपके सामने है, इसका वन होगा, इसका टू होगा, इसका थ्री होगा, इसका भी थ्री होगा, यानी सिचुएशन टाई भी हुई है, जी हाँ सुपर ओवर भी होगा इनका। या एन प्लस एल फोर होगा, यहां भी फोर होगा, एन प्लस एल की वैल्यू आपको सेम मिलती है, यानी यहां भी होगा सुपर ओवर। और इसमें क्या करना होगा, आपको पहले ही बताया जा चुका है एन प्लस एल रूल में, जिसके लिए होगी एन की वैल्यू कम उसको पहले फिल करना होगा, जिसके लिए होगी एन की वैल्यू ज्यादा उसको बाद में फिल करना होगा। रैंडमली किसी को भी फिल नहीं करना है, रूल के हिसाब से ही चलना है। तो देखिए आगे बात की जाएगी 3D की, 3D के लिए n की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू 3 होगी। d के लिए देखिए l क्या होगा आपके सामने है, d के लिए l 2 होगा, d के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो n प्लस l 5 मिलता है। आगे देखिए 4p के लिए n की वैल्यू 4 होगी, इसके सामने 4 है, n की वैल्यू 4 है, p के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, एन प्लस एल 5 है। यहां देखिए 5s के लिए एन की वैल्यू 5 होगी, और एल की वैल्यू एस के लिए क्या होगी दोस्तों, एल की वैल्यू एस के लिए होगी 0। आप जानते हैं हर एस के लिए एल 0 होगा, एन प्लस एल 5 होगा। यहां भी सिचुएशन टाई हो चुकी है, आपने देख लिया होगा। यहां देखिए एन की वैल्यू 4 है, एल क्या होगा, डी के लिए एल 2 होगा, एन प्लस एल क्या होगा, देखिए 6 होगा। यहां देखिए
n की वैल्यू 5 होगी, l क्या होगा p के लिए, हर p के लिए l1 होगा, यानी n प्लस l 6 होगा। याद देखिए n की वैल्यू 6 होगी, हर s के लिए l क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, ये देख चुके हैं दोस्तों। इन तीनों के लिए n प्लस l सेम है, इसका क्या मीनिंग है, इन तीनों के लिए n प्लस l सेम है, इसका मीनिंग है n प्लस l रूल में सिचुएशन टाई हो चुकी है। इस केस में जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल करना होगा, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसको बाद में फिल करना होगा। जी हाँ, इधर से इधर जाएंगे, देखिए इधर से इधर जाएंगे, n की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें इस प्रकार से बाद में ही इनको फिल करना होगा। इसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है तो सबसे बाद में इसको फिल करना होगा, इसके लिए इससे n की वैल्यू कम है तो इससे पहले फिल करना होगा, और कम है इसको और पहले फिल करना होगा। आई होप ये पूरी कहानी आपने अंडरस्टैंड कर ली है। और यही कहानी है, यहां भी फॉलो होगी, देखिए यहां से यहां जाएंगे, n प्लस l की वैल्यू सेम है, 5 है, लेकिन यहां से यहां जाएंगे n इंक्रीज होगा, n इंक्रीज होगा, तो इस प्रकार से सब सेल्स की एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां से यहां देखिए n प्लस l इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, या n प्लस l सेम होगा इसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसको इससे बाद में फिल करना होगा। यहां देखिए n प्लस l अगेन सेम होगा, देखिए इसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी, इससे बाद में इसको फिल करना होगा। और इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में n प्लस l इसके लिए ज्यादा है तो इसको देखिए बाद में फिल किया, और इसके लिए n प्लस l कम है तो इसको पहले फिल किया। आई होप आप इस पूरी माया को जान चुके हैं। जैसा आपको n प्लस l रूल से मिलता है वैसा ही इस महान प्रिंसिपल आउबाउ प्रिंसिपल से मिलता है। आई होप आपने इसको एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलिए अब दोस्तों वक्त हो गया है एक फेमस रूल को जानने का, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल अंटिल ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ दैट सबसेल आर सिंगली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का, आइए इसको पूरी गहराई से अंडरस्टैंड करें। देखिए ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, यानी केस है 1s का। किसका केस है? 1s का। देखिए इसमें सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन से सिंगली फिल करना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करना होगा, इसके बाद ही पेयरिंग करवाने हैं। जी हाँ, यहां तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जैसे ही n इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे, यहां पर हमारे पास 2s 2p टू पॉसिबिलिटीज हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ध्यान से देखना है और बिंदास आप हंट्स रूल को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप सभी कॉन्सेप्ट को लॉजिकली अप्रोच करते हैं तो देखिए आप किसी भी मंजिल किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, चाहे ये मुकाम जे एडवांस्ड हो या आपका नीट हो या बोर्ड में टॉप ही आपको क्यों ना करना हो। देखिए यहां भी लॉजिकली चलेंगे, मुझे लगता है हंट्स रूल को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां फिल किया, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई है। जी हाँ, पहले हमने इसको हाफ फिल्ड किया, उसके बाद फुली फिल्ड किया। इसके बाद देखिए यहां हमें हंट्स रूल का मीनिंग एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड होगा। 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? काफी दोस्त ऐसा सोच रहे होंगे ऐसे आएगा। जी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन लाइक चार्जेस के बीच में होगी। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस 2p में पहले दूर दूर रहना पसंद करेंगे, ऐसे दूर दूर रहना पसंद करेंगे।
आप पेयरिंग में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे चलिए दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ऐसे दूर दूर रह पाएंगे, अगर तीन हुए तो क्या होगा, चलिए इसकी बात भी कर लेंगे। देखिए दोस्तों इसमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो एक और केस हमारे पास है 2p3 यानी p सबसेल में तीन इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, क्या ये तीन इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पाए जाएंगे, एक दो तीन, क्या तीनों के तीनों एक ही ऑर्बिटल में, जो स्मॉलर बॉक्स है ये एक ऑर्बिटल है और जो ये बड़ा बॉक्स है ये क्या है, ये सबसेल है, क्या ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक छोटे बॉक्स में ही पाए जाएंगे, स्मॉलर बॉक्स में पाए जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करनी है। देखिए ये तीन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर रहना पसंद करेंगे तभी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जी हां, एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पेयरिंग में जल्दबाजी आप बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है दूर रहने का तो इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, पास क्यों रहेगा, माइनस माइनस चार्ज में रिपल्शन होती है। इस प्रकार से तीन इलेक्ट्रॉन दूर दूर पाए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, ये अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब देखिए प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था एक छोटे बॉक्स में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। ये मैंने आपको स्पिन क्वांटम नंबर बताया था, वहां आपसे डिस्कस हुआ था ये पॉइंट, आई होप आपने इसको याद किया होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ पॉसिबल है। तो इस प्रकार से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या तीन थे, ऐसा कभी नहीं होगा और ये भी कभी नहीं होगा, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है कि देखिए दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हो और एक यहां हो, ये भी अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉन जितना दूर हो उतना ज्यादा अच्छा है, अगर यहां पर इस सबसेल में अगर हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय यहां रहना ज्यादा पसंद करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होगा तो इसके कोरस्पोंडिंग स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उसी रूल को इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन हांस रूल को फॉलो करेगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब देखिए अगर आपके पास 3d5 का केस है, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास 3d5 का केस है तो क्या होगा, पांच इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयरिंग में जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक दो तीन चार पांच, फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, जी हां, एस के कोरस्पोंडिंग वन ऑर्बिटल होगा, वन बॉक्स होगा, पी में थ्री बॉक्स होंगे, थ्री ऑर्बिटल्स होंगे, कौन से होंगे, इस पूरी माया को क्वांटम नंबर्स के लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। डी के कोरस्पोंडिंग फाइव बॉक्स होंगे, फाइव ऑर्बिटल्स होंगे, एफ के कोरस्पोंडिंग सेवन बॉक्स होंगे, सेवन ऑर्बिटल्स होंगे। आई होप इस पूरी माया को आपने क्वांटम नंबर्स की दुनिया में जान लिया है, पहचान लिया है। अब देखिए 3d5 का केस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे, ये पांच इलेक्ट्रॉन इन फाइव बॉक्सेस में दूर दूर रहना पसंद करेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है अगर आपने पेयरिंग में जरा सी भी जल्दबाजी की, बिल्कुल गलत होगा। क्या गलत होगा, देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं पाए जाएंगे मेरे दोस्तों, ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेंगे आपको, पेयरिंग में जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहना ही पसंद करेंगे। जब तक सब सेल इलेक्ट्रॉन से सिंगली फिल्ड नहीं है तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सब सेल सिंगली फिल्ड है और उसके बाद एडिशनल इलेक्ट्रॉन को उस सब सेल में ऐड करना है तब आप पेयरिंग कर सकते हैं। मेरी बात का मतलब ये है मेरे दोस्तों, F7 से ध्यान सुनिए आगे चलते हैं, अगर F7 से बात की जाए F8 की, F में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, अभी अभी बात की 7 होंगे,
वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सबसे हाफ फील्ड है, इसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रॉन अकेला रह नहीं सकता, मजबूरी है बिल्कुल, इसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हैं, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होगा एट्थ इलेक्ट्रॉन होगा एफ सेवन के बाद, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस प्रकार से देखिए पहले सेवन इलेक्ट्रॉन थे, अब जैसे ही आपने एट्थ इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जी हां सबसे हाफ फील्ड थी, इसके बाद आप अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं फिर तो मजबूरी है, फिर तो पेयरिंग होगी ही, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। ये स्पिन क्वांटम नंबर में देख चुके हैं मेरे दोस्तों, ये एस प्लस हाफ होगा तो ये एस क्या होगा, माइनस हाफ होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर स्पिन क्वांटम नंबर के लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, यानी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा चुका है, क्वांटम नंबर्स की दुनिया में आपको बताया जा चुका है स्पिन क्वांटम नंबर कैसे प्लस हाफ होगा, कैसे माइनस हाफ होगा। आगे चलना होगा और बात करनी होगी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। देखिए क्या है ये प्रिंसिपल, इसकी हमें एक बेहतरीन अंदाज में बात करनी है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स, यानी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उनके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं मिलेंगे, जरूर दो क्वांटम नंबर, एक क्वांटम नंबर, तीन क्वांटम नंबर या चारों क्वांटम नंबर आपको डिफरेंट मिलेंगे, जरूर कम से कम एक क्वांटम नंबर तो आपको डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा, दो भी डिफरेंट मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, चारों के चारों भी डिफरेंट मिल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से इसकी बात करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। जैसे हमारे पास 1s का केस है और यहां दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर बात की जाए n की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की, n क्या होगा, n सेम होगा, n सेम होगा, ऑर्बिट नंबर सेम है। अगर बात की जाए l की, देखिए n से हमें क्या पता चलेगा, ऑर्बिट नंबर। अगर बात की जाए l की, l भी सेम होगा, जी हां l से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सबसेल की, और ये सबसेल दोनों के लिए क्या है, s है, l भी सेम होगा। अगर बात की जाए m की, m भी सेम होगा, देखिए l सेम है तो m भी सेम होगा, m की रेंज होगी माइनस l टू प्लस l, l सेम है तो m भी सेम है। अब देखिए s की बात की जाए तो s बिल्कुल भी सेम नहीं होगा, एक के लिए प्लस हाफ होगा, एक की स्पिन अलग होगी दूसरे की स्पिन अलग होगी, दूसरे के लिए s माइनस हाफ होगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जरूर स्पिन क्वांटम नंबर क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, बाकी सभी क्वांटम नंबर्स क्या है, सेम है। यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो किया है। अब आगे चलते हैं, याद देखिए अगर ऐसा केस हो, ध्यान से सुनिए, ऐसा केस हो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, ये केस है 2p2 का, याद देखिए n की वैल्यू क्या होगी, n तो सेम होगा, क्या विचार है l के बारे में, l होगा 0 टू n माइनस 1, याद देखिए ध्यान से देखिए n की वैल्यू 2 है तो l होगा 0 1, l 0 कब होगा, जब केस होगा s सबसेल का, l 1 कब होगा, जब केस होगा p सबसेल का, सबसेल सेम है 2p तो l की वैल्यू क्या है, सेम है, जी हां n सेम है l भी सेम है, ये हमने जस्टिफाई किया है। m क्या होगा, m माइनस l टू प्लस l होगा, माइनस l टू प्लस l, यहां देखिए अगर l की वैल्यू 1 है p सबसेल का केस है, m क्या होगा, माइनस 1 0 प्लस 1, तभी तो यहां पर कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, प्लस 1 0 माइनस 1 तीन पॉसिबल है, यानी यहां पर डिफरेंट कौन होगा, यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होगा डिफरेंट। आई होप इस पूरी माया को आपने जान लिया है, अगर आप इसको जान चुके हैं तो कोई भी केस उठा लीजिए, जैसे हमारे पास केस है
चलिए दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं 3D3 के केस में कैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स डिफर करते हैं। देखिए तीन इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे, ये पांच ऑर्बिटल आपके सामने, 1, 2, 3, 4, एक और होगा 5, और तीन इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं, हंट्स रूल हम देख चुके हैं। ये तीन इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे तो आप बताइए दोस्तों कौन से क्वांटम नंबर्स इनके डिफरेंट होंगे, अलग अलग ऑर्बिटल में है, अलग अलग ओरिएंटेशन के साथ है, तो इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इनके डिफरेंट मिलेंगे आपको। तो यहां से हमने देख लिया है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के एक एटम में चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं मिलेंगे। दिस रूल इज नेम्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप इससे आप फैमिलियर हो चुके हैं। आगे हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आज जितने भी रूल्स जितने भी प्रिंसिपल की हमने बात की इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करनी है ताकि एप्लीकेशन पार्ट को हम एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज वोलेटेड। देखिए कौन सा रूल वोलेट हुआ है, या ध्यान से देखिए, मुझे तो ये ऐसा लगता है कि पेयरिंग में जल्दबाजी हुई है, हंट्स रूल वोलेट हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए हंट्स रूल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहना पसंद करेंगे एक पर्टिकुलर सबसेल में, जब सबसेल सिंगली फिल्ड होगी उसके बाद पेयरिंग करेंगे, यहां तो पूरी सबसेल सिंगली फिल्ड है ही नहीं, ये देखिए वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं, या इस केस में क्या वोलेट हुआ, हंट्स रूल वोलेट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 हुआ इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमें एक और बेहतरीन क्वेश्चन की बात करनी है, विच रूल इज नॉट फॉलोड बाय गिवन कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कौन सा रूल फॉलो नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस ऑर्बिटल पर ध्यान दिया होगा, इस ऑर्बिटल में पाए जाने वाले दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम है। देखिए एन की वैल्यू सेम है, इसके लिए बिल्कुल सेम है, जी हाँ, सेम सबसेल सेम ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो एन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एल भी सेम होगा, सबसेल सेम है, जी हाँ, ये पी सबसेल है, तीन डिब्बे हैं, तो यानी एल की वैल्यू भी सेम है। एम क्या सेम होगा, देखिए एम भी सेम होगा, सेम ओरिएंटेशन के साथ प्रेजेंट है, एक ही ऑर्बिटल में है, एम भी क्या होगा, सेम होगा। एम सेम कैसे होगा, देखिए एल की वैल्यू पी के लिए क्या है, 1 है, एम की वैल्यू क्या होगी, -1, 0, +1 होगी, -L2 +L होगी, ये आप जानते हैं, -L2 + L होगी, तो -1, 0, +1, यानी इनके लिए L की वैल्यू क्या है, सेम है, M भी सेम है, देखिए -1 इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, सेम वैल्यू है। S क्या है, S भी सेम है, ऐसा कभी नहीं होगा, स्पिन क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होगा, जी नहीं, एक के लिए प्लस हाफ होना चाहिए, दूसरे के लिए माइनस हाफ होना चाहिए, यहां तो दोनों के लिए सेम है, यानी इस केस में चारों क्वांटम नंबर इन दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम है, यानी यहां पर वोलेट हुआ है कौन सा रूल, पॉलीज रूल, ऑप्शन 3 इसका होगा राइट आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन ऑर्बिटल अकॉर्डेंस विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद, देखिए ये स्टेटमेंट कौन से रूल कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है, आपको अगर याद हो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है सबसेल में ऑर्बिटल्स में किस प्रकार से, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये बात हमने अंडरस्टैंड की थी सबसे पहले अहोभाव प्रिंसिपल में, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसके बाद हमने एन प्लस एल रूल की भी बात की थी, यहां पर एन प्लस एल रूल तो गिवन नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 अहोभाव प्रिंसिपल इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन दिखने में ऐसी हो,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज वॉयलेटेड. देखिए कौन सा रूल वॉयलेट होगा, ध्यान से देखिए क्या कमी है इसमें. इसमें कमी ही कमी है. देखिए इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम है. एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ दो इलेक्ट्रॉन है. जी हाँ, एन सेम होगा, एल सेम होगा. एन क्यों सेम होगा, सेम यहां पर ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर सेम है, देखिए टू है. और एल सेम कैसे होगा, सेम सबसेल है, पी है. एम सेम कैसे होगा, देखिए माइनस वन जीरो प्लस वन, एम की वैल्यूज होंगी माइनस एल टू प्लस एल. और पी के लिए एल क्या होगा, एल वन होगा. यहां देखिए माइनस वन जीरो प्लस वन, यानी एम भी सेम होगा माइनस वन होगा इन दोनों के लिए. और एस भी सेम होगा, आप देखिए सेम स्पिन के साथ है, एस भी क्या होगा, सेम होगा. चारों क्वांटम नंबर सेम कैसे हो सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है. किसके अकॉर्डिंग गलत है ये देखिए आपको बताया जा चुका है, पॉलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है. तो ऑप्शन टू इसका राइट आंसर होगा. यही हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि किसके अकॉर्डिंग ये बात वैलिड नहीं होगी. इसके अलावा देखिए यहां पर जल्दबाजी पेयरिंग में भी की गई है. इलेक्ट्रॉन्स पहले दूर दूर रहना पसंद करेंगे इस पर्टिकुलर पी सबसेल में. आपने पेयरिंग में जल्दबाजी की है यानी यहां पर वैलिड नहीं होगा हंट्स रूल. तो इसके राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थ्री इसके होंगे राइट आंसर. चलिए इसके बाद क्वेश्चंस की दुनिया में आगे चलते हैं और जमकर प्रैक्टिस करते हैं. आगे चलते हैं और बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेल्स ऑफ एन प्लस एल इज इक्वल टू सेवन इस मायावी क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमें ये सेटिस्फाई करना है एन प्लस एल सेवन के इक्वल हो ऐसी कितनी सबसेल्स होंगी. इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम अप्रोच करेंगे. कैसे, एन सेवन हो एल जीरो हो, एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. देखिए एन सिक्स हो एल वन हो, एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. एन फाइव हो एल टू हो, एन फोर एल थ्री. कभी भी एल एन के इक्वल नहीं हो सकता. आप जानते होंगे एल की वैल्यूज जीरो टू एन माइनस वन होंगी, जीरो टू एन माइनस वन. एल ऑलवेज एन से क्या होगा, लेसर होगा, बिल्कुल इक्वल कभी नहीं होगा. आई होप ये आप जानते होंगे. क्वांटम नंबर्स की दुनिया में ये आपको बताया जा चुका है. तो यहां देखिए कभी ऐसा नहीं होगा कि ये थ्री हो जाए ये फोर हो जाए, ऐसा केस कभी नहीं होगा. और ये भी नहीं होगा ये टू हो जाए ये फाइव हो जाए, ये वन ये सिक्स ऐसा कभी नहीं होगा, ये जीरो ये सेवन ऐसा कभी नहीं होगा. यानी सेवन जीरो सिक्स वन फाइव टू फोर थ्री ऐसी पॉसिबिलिटीज ही हो सकती है. ये देखिए एल जीरो को, एल जीरो को हम क्या बोलेंगे, एल जीरो किसके कोरिस्पोंडिंग होगा. एल जीरो का मीनिंग है इसका एंगुलर क्वांटम नंबर जीरो है. और ये एस सबसेल के लिए है. जी हां, हर एस के लिए एल जीरो होगा. एल वन है ये किसके लिए होगा, हर पी के लिए एल वन होगा. एल टू है इसका क्या मीनिंग है, ये होगा डी सबसेल के लिए. एल थ्री है इसका क्या मीनिंग है, ये होगा एफ के लिए. इस प्रकार से होगा. यहां देखिए एल जीरो है ये एस के लिए होगा, एल वन है पी के लिए होगा, एल टू है ये डी के लिए होगा, एल थ्री है ये एफ के लिए होगा. ये कौन सी एस है, ये देखिए ये है सेवन एस. ये कौन सी पी है, ये सिक्स पी है. ये कौन सी डी है, ध्यान से देखिए एन फाइव है, फाइव डी है. ये देखिए ध्यान से, ये कौन सी एफ है, एन फोर है, फोर एफ है. कितनी सबसेल्स हो सकती हैं, वन टू थ्री फोर, फोर सेट पॉसिबल है, फोर सबसेल्स पॉसिबल है. यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन होगा इसका राइट आंसर. चलिए दोस्तों इसके बाद हमें एक मायावी कॉन्सेप्ट जानना है. देखिए अभी तक हमारा जितना भी डिस्कशन आव भाव प्रिंसिपल में हुआ है, एन प्लस एल रूल के कोरस्पॉन्डिंग हुआ है. ये डिस्कशन वैलिड है किसके लिए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए. आव भाव प्रिंसिपल और एन प्लस एल रूल की बात हम कर चुके हैं. देखिए आव भाव प्रिंसिपल और एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग
हमें सब सेल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार से मिलता है एनर्जी के अकॉर्डिंग। देखिए सब सेल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से हमने अरेंज किया है, ये आपके सामने है 3s, इसके बाद 3p, 3p के बाद 4s, इसके बाद 3d एंड सो ऑन। लेकिन अगर बात की जाए सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज की, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के केस में क्या होगा, देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के केस में एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होगा। देखिए 1s की एनर्जी कम होगी, 2s 2p की सेम होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने बोर मॉडल में भी अंडरस्टैंड किया। एक पर्टिकुलर सेल की एनर्जी क्या होगी सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के केस में, कॉन्स्टेंट होगी, डेफिनेट होगी, इसकी बात हम कर चुके हैं। देखिए ये सब सेल इस पर्टिकुलर सेल से बिलोंग करते हैं और ये केस है सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज का, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+ एटसेट्रा, इस प्रकार से केस हमारे पास है। तो देखिए 2s 2p की एनर्जी सेम होगी, ऐसे ही थर्ड सेल से बिलोंग करने वाली सब सेल 3s 3p 3d है, इनकी एनर्जी भी क्या होगी सेम होगी। जी हाँ, ऐसा कब होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है ऐसा तब होगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, स्पीसीज कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो देखिए ऐसा एनर्जी सीक्वेंस वैलिड होगा, इस केस में ऐसा एनर्जी सीक्वेंस वैलिड होगा। आई होप इस पूरी माया को आपने जान लिया है, इसको अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए जिन सब सेल्स की एनर्जी सेम मिलती है उन सब सेल्स को डीजनरेट सब सेल्स भी बोलते हैं। जी हां, ये 2s 2p डीजनरेट सब सेल्स हैं, 3s 3p 3d ये भी क्या है डीजनरेट हैं, जिनकी एनर्जी सेम है, दीज सब सेल्स आर नेम्ड एज डीजनरेट सब सेल्स, सब सेल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट सब सेल्स। आई होप आपने इस पूरी माया को जान लिया है, इस माया से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है, प्योर जेई एडवांस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इसके फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर से विदाई का वक्त आ गया है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच रहे होंगे इसमें स्क्रोडिंगर इक्वेशन का कोई नामो निशान नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके स्कूल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रोडिंगर इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे आपको जे एडवांस्ड लेवल डिलीवर करना है तो इसके लिए मैं आपको स्क्रोडिंगर इक्वेशन जरूर बताऊंगा और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी माया होगी, ये पूरी माया भी आपके सामने प्रकट की जाएगी। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। नेक्स्ट सेशन में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, साथ में एलिमेंट्स की पूरी माया तो जाननी ही है, पूरी जादुई कहानी है इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, और साथ में स्क्रोडिंगर इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जस्ट बाद स्क्रोडिंगर इक्वेशन का भी नंबर आएगा और ये आपको सरप्राइज लेक्चर्स में मिलेगा। अब काफी स्टूडेंट्स उस कंसेप्ट बूस्टर की बात कर रहे हैं जिस कंसेप्ट बूस्टर का मैंने काफी पहले जिक्र किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, कि आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट बूस्टर मिलेगा जिसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की पूरी माया आपको बताई जाएगी। जी हाँ, रेडॉक्स टाइट्रेशन की माया भी आपको बताई जाएगी। इस सीरीज को जल्द ही मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं, इस सीरीज से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारे लेक्चर्स में आपको मिलेगी, तो आपको ध्यान से हर अनाउंसमेंट को सुनना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीक से ही कुछ एडवांस लेक्चर्स और कंसेप्ट बूस्टर देना स्टार्ट कर दूंगा जिसमें आपको टाइट्रेशन, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सब कुछ मुझे पता है, जितना मैंने आपसे प्रोमिस किया है वो आपको डिलीवर होगा।
आप बस पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते रहिए, हौसले अपने बुलंद रखिए और नेगेटिविटी मत फैलाइए, पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव रह पाएंगे उतना आसपास आपके सारी चीजें पॉजिटिव हो पाएंगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। अब बिंदास मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।